के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों कुछ कुछ इंजिन्स जो है वो ज्यादा रेव करते हैं और कुछ इंजिन्स कम रेव करते हैं। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको ये पता चल गया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर स्क्वायर और ओवर स्क्वायर इंजिन के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ विद ओशियन माइंड जानने के लिए कैसे ये दोनों इंजिन डिफरेंट है अपने अपने फील्ड में। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा कुछ इंजिन्स जो है मोटरसाइकिल या गाड़ी का जो इंजिन्स होते हैं कार का इंजिन वो बहुत रेव करता है, करीब 10,000 में चले जाते हैं और जो फॉर्मूला कार्स के इंजिन है वो 20,000 25,000 तक रेव करता है। लेकिन कुछ इंजिन्स है लाइक जो नॉर्मल स्कूटर का इंजिन, आपके रॉयल इनफील्ड बुलेट का इंजिन, वो बहुत ही कम रेव करते हैं लाइक 7,000 6,000 RPM। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ इंजिन्स ज्यादा रेव करते हैं और कुछ कम रेव करते हैं? तो इस चीज को जानने के लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि इंजन का जो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, किस चीज के लिए हम इंजन को रेव हाई नहीं कर पाते। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि कोई भी इंजन को चलने के लिए उसको एयर और फ्यूल चाहिए, और एयर तब आता है जब पिस्टन ऊपर से नीचे जाता है और जो सक्शन गेट रहता है तब। तो जो एयर जाने का पोर्ट होता है या फिर वाल्व होता है वो आपका कॉन्स्टेंट होता है उस पर्टिकुलर इंजिन के लिए। तो एक टाइम के लिए वो इंजन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर ही आपका सक कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, आप अगर ज्यादा रेव हाई कर लेंगे तो उससे जो रिक्वायरमेंट है आपका एयर और फ्यूल का वो इंजन आपको नहीं दे पाएगा, जिससे आपका पावर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। उस चीज को हम इंजीनियरिंग टर्म में ये कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इंजन का कम हो जाएगा। तो इसी कारण जो टर्बोचार्जर होता है, सुपर चार्जर होता है, उसमें हम फोर्स इंडक्शन करके एयर को इंजन के अंदर डालते हैं कि उसको हम और ज्यादा आरपीएम तक पहुंचा पाए। तो इसीलिए ये ओवर स्क्वायर और अंडर स्क्वायर इंजिन दोनों डिफरेंट फील्ड में काम करता है। ओवर स्क्वायर इंजिन का क्या होता है, जो बोर और स्ट्रोक है, बोर मतलब आपका जो पिस्टन है सिलेंडर है उसका डायमीटर, और स्ट्रोक मतलब पिस्टन कितना ऊपर नीचे मोमेंट कर रहा है। तो ओवर स्क्वायर इंजिन के लिए आपका जो बोर होता है वो स्ट्रोक से ज्यादा होता है, और अंडर स्क्वायर इंजिन के लिए बोर छोटा होता है कंपेयर टू स्ट्रोक। लाइक बुलेट में बोर छोटा है कंपेयर टू स्ट्रोक, और आपका जो CBR या फिर KTM में बोर ज्यादा होता है कंपेयर टू स्ट्रोक। तो उससे क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर आरपीएम के लिए, मान लीजिए 6,000 RPM के लिए अगर हम ओवर स्क्वायर इंजिन की बात करें, मतलब KTM के इंजन की बात करें, तो उसका जो पिस्टन का स्पीड है वो बहुत ही कम होगा 6,000 RPM में, क्योंकि उसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो कम है, क्योंकि उससे उसका क्रैंक का जो साइज होगा वो भी छोटा होगा। लेकिन आपका अगर अंडरस्कोर इंजन की बात करें बुलेट के इंजन की, तो उसका स्ट्रोक लेंथ ज्यादा है, मतलब सेम आरपीएम अचीव करने के लिए उसका पिस्टन का जो मोमेंट है वो ज्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, अगर पिस्टन का मोमेंट ज्यादा हो गया तो हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर मैंने बताया था उससे इंजन लिमिट हो जाएगा, उससे आगे इंजन पिस्टन का स्पीड बढ़ नहीं पाएगा और इंजन का आरपीएम भी उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए कुछ इंजन कम आरपीएम दे पाता है और ज्यादा आरपीएम नहीं दे पाता। तो उसका ऐसा नहीं कि डिसएडवांटेज है, उसके लिए हमने पहले भी वीडियो में बात किया है कि उस पोजीशन के लिए आपका क्या होता है, आपका टॉर्क ज्यादा मिलता है ऐसे जो इंजन अंडर स्क्वायर इंजिन हो, और ओवर स्क्वायर इंजिन में आपका जो हॉर्स पावर है आरपीएम है वो ज्यादा होता है। तो यही था इस वीडियो में, ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप लोग ओशियन माइंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड। आई हैव यू नाउ।